तीन चीजें हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर, सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगल सूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं मांग का सिंदूर भरा रहा है, और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक पीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था, तो कथा भी हमारे यहाँ है। कंस का जन्म कैसे हुआ ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम यहाँ तक हमारे संवाद करते हैं। उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। अब करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास ससुर देवर जेठ परिवार, घर के बड़े घर के बुजुर्ग खड़े हैं उस समय पर श्रृंगार नहीं, आप जाओ अपने कक्ष में श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है, इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ इससे कहो कि कौन देख रही है, अरे देख तो तुरंत इतना पल्लू, तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया फिर इधर आया। कहीं नहीं बचे आज, अब तो बहू में इतना पल्लू के बार दो बाल रहती है, एक बार शादी करके आती है तब क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए
बस दो बारी रोती, बस आँख में पल्लू इतना ही बस।